Hello friends, welcome to my channel Study with Nasir. In this video we will study about flavor savor tomato. Dosto, जब हम कोई भी टमाटर मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं तो वो टमाटर 7 दिन के बाद या 4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद वो टमाटर नॉर्मली खराब हो जाता है अगर हम उसको फ्रिज में ना रखें तब. ऐसा इसलिए होता है कि टमाटर की जो सेलवाल होती है वो पेक्टिन की बनी होती है और टमाटर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टो यूरानेज एंजाइम. ये क्या करता है, जो पेक्टिन होती है उसी को डिग्रेड कर देता है जिसकी वजह से टमाटर बहुत जल्दी खराब हो जाता है. टमाटर की इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए RDNA टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज किया गया और जो ये पॉलीगैलेक्टो यूरानेज एंजाइम जिस जीन की वजह से बन रहा था उसी जीन को ऑल्टर्ड किया गया, मैनिपुलेट किया गया, जिससे पॉलीगैलेक्टो यूरानेज एंजाइम का फॉर्मेशन बनना कम हो गया और टमाटर की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो गई. अब हम इस वीडियो में शॉर्टली समझते हैं कि किस तरह से फ्लेवर शेवर टोमेटो का फॉर्मेशन होता है. सेल वॉल ऑफ टोमेटो कंटेन पेक्टिन और पॉलीगैलेक्टो यूरानेज एंजाइम पेक्टिन डिग्रेडिंग एंजाइम फाउंड इन टोमेटो. ये जीन था कोई और ये इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीगैलेक्टो यूरानेज एंजाइम. तो ये वो जीन्स थे जो पॉलीगैलेक्टो यूरानेज एंजाइम का फॉर्मेशन करते थे. इसी जीन को मॉडिफाई किया गया, ऑल्टर्ड किया गया, मैनिपुलेट किया गया. अब हम किसी भी जीन को मॉडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं RDNA टेक्नोलॉजी, आर जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जीन्स मैनिपुलेशन बाय RDNA टेक्नोलॉजी, जब जीन को मैनिपुलेट किया गया तो एंटी सेंस ओरिएंटेशन का फॉर्मेशन हुआ. एंटी सेंस ओरिएंटेशन में होता क्या है, जो जीन की स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है, ऑल्टर्ड हो जाती है. इतना करने के बाद जो रिजल्ट हमको मिले वो क्या थे कि पॉलीगैलेक्टो यूरानेज एंजाइम का फॉर्मेशन बहुत कम हो गया. और जब पॉलीगैलेक्टो यूरानेज एंजाइम का फॉर्मेशन बहुत कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो जो पेक्टिन डिग्रेडिंग था ये भी बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से टमाटर की जो शेल्फ लाइफ थी वो इंक्रीज हो गई और टमाटर का फ्लेवर भी इंक्रीज हो गया. तो यहां पर हमने ये देखा कि पॉलीगैलेक्टो यूरानेज एंजाइम का फॉर्मेशन जब कम हो गया तो पेक्टिन का डिग्रेडेशन कम हो गया, जिसकी वजह से टमाटर की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गई. इसीलिए हमने इसको नाम दिया सेवर. और यहां पर इसका जो फ्लेवर था वो भी इंक्रीज हो गया, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया फ्लेवर. तो इस टमाटर को हम, टोमेटो को हम फ्लेवर सेवर टोमेटो कहते हैं. NCERT के अकॉर्डिंग इतनी इंफॉर्मेशन सफिशियंट है. आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा.